हेलो फ्रेंड्स, सो जुनून स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है रूही को पता चल जाता है कि ऋचा ने वो लेटर अभी तक युविका को नहीं दिया है, और इधर से ऋचा का बॉयफ्रेंड वहाँ से जाता है तो रूही ऋचा पे चिल्लाती है और कहती है कि ये लेटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है ऋचा, मैंने तुम्हें बोला था ना उसको देने के लिए, तुमने दिया नहीं, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया यार, तुम तो हमारी फ्रेंड थी ना, तुम्हारी वजह से हम दोनों इतना करीब आए थे, क्यों किया तुम्हें, मैंने उस दिन सारी बातें बताई थी, अपना पूरा दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया था कि मैं किस सिचुएशन से डील कर रही हूँ, तुमने उसको दिया क्यों नहीं, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ बस, झूठ मत बोलना ऋचा, अब कोई झूठ काम नहीं करेगा तुम्हारा, क्यों किया तुमने ऐसा। तो ऋचा कहती है रूही लिसन टू मी, देखो युविका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं थी। कहती तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि युविका मेरे लिए सही लड़की थी कि नहीं थी, हु द हेल आर यू, मुझे ये बताओ तुमने ये किया क्यों, तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई और मैं युविका को गलत समझती रही यार, मुझे लगा वो मुझे नहीं समझ रही है, अरे जब उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं था तो उसे तो गुस्सा आना लाजमी था ना, उसने तो सच में मुझसे प्यार किया था और मैंने गलती तुम्हारी भी नहीं है यार, गलती मेरी है कि मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, इतना ज़्यादा भरोसा किया कि मैंने उससे खुद जाके कभी बात ही नहीं की, पहले तो मैं प्रॉब्लम में थी कि मैं उससे बात कर नहीं सकती थी, बट जब प्रॉब्लम हटी तो मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, बट मेरा ईगो मेरा गुस्सा सब बीच में आता गया, सही बात है मेरी गलती है, मैं तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों किया, दोस्त बन के धोखा क्यों दिया यार, क्यों। तो ऋचा कहती है देखो मेरी बात सुन, कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ सच सुनना है, अगर तुम सुना सकती हो तो, और नहीं सुना सकती हो तो वो भी बता दो, मुझे झूठ तुमसे नहीं सुनना, सच में नहीं सुनना। तो ऋचा कहती है कि क्या सच जानना चाहती हो तुम, हाँ क्या सच जानना चाहती हो, युविका को मैं पसंद करती थी, मैं शुरू से पसंद करती थी, हमेशा से पसंद करती थी, तब सायमा आ गई उसकी लाइफ में, मेरा दिल टूटा, मैं रोई, ठीक है मैं तड़पी, दर्द क्या होता है ये मैंने फील किया, और उसके बाद जब सायमा गई तो मेरी उम्मीद फिर से जगी कि शायद अब युविका मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, तब तुम आ गई और युविका का सारा इंटरेस्ट मुझे तुम में दिखाई देने लगा, मेरा फिर से दिल टूट गया फिर से। तो रूही कहती है तुम पागल हो, युविका के दिल में तुमने उम्मीद जगाई थी मेरे लिए, युविका तो कभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी यार, कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम, इस वजह से तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी और युविका की जिंदगी खराब हो जाएगी। कहती है जब तुमने नहीं सोचा, एक जरा सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो मैं क्यों सोचूंगी तुम्हारे बारे में रूही, मुझे चांस मिला मैंने खेल लिया, जिस दर्द से मैं गुजरी थी वही दर्द मैं उसको देना चाहती थी, उसे भी तो एहसास हो कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है, उसे एहसास होना चाहिए था, और तुम, मैं उसे चाहती थी, मेरी आंखों में तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया रूही, कभी नहीं दिखाई दिया तुम्हें, तुम बीच में आ गई। रूही कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर प्यार करती थी तो सामने से जाके बोलना था ना उसको,
क्यों उसे मजबूर किया वो फील करने के लिए पूरी तरह, जो वो मेरे लिए फील करने लगी थी तुम्हारी वजह से वो मेरे पास आई थी, तुम्हारे कहने पे वो मेरे पास आई थी। तुम्हें अपना दोस्त समझा था यार उसने, और मैंने भी इस तरह पीठ में खंजर। कोई किसी दोस्त पे कभी भरोसा नहीं करेगा आगे से, जो तुमने किया है उसके बाद तो कभी कोई नहीं करेगा। तुमने हम सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कहाँ जाऊँ मैं उसे, कहाँ ढूँढूँगी तुम मुझे बताओ, अब कहाँ ढूँढूँगी मैं उसको। मैं तिल तिल मरूँगी, तिल तिल तड़पूँगी उसके लिए। तुमने जी यार, सच में दोस्ती के नाम पे कलंक हो यार तुम, कलंक हो। तुम जैसे दोस्त से तो दुश्मन भला। मेरी गलती है, तुमसे आज एक बात समझ में आई है कि अपने प्यार के बीच में कभी तीसरे इंसान को नहीं लाना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त ही क्यों ना, कभी नहीं लाना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगी, किसी पे भी नहीं। मेरी वजह से शिविका कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी, और तुम्हारी वजह से मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगी। क्या कर दिया यार, एक बार भी नहीं सोचा कि कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें उसका दर्द दिखाई नहीं दिया, तुम्हारे सामने रोई है वो, तड़पी है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, एक बार भी फर्क नहीं पड़ा। किसी दोस्तों इतना जहर तुम्हारे मन में। मुझे तो ये गलतफहमी हो गई थी कि वो मुझे समझ ही नहीं रही है, मैं तो ये सोचने लगी थी कि मेरा प्यार उसके लायक ही नहीं है। लेकिन यार तो क्या कर दिया यार ये तुमने, Do you have any idea? वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई यार, हमेशा के लिए। मैं उसे कभी, और ये इतना टुच्चा सा रीजन, उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। जब उसे तुम्हारी फीलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो अगर तुम कहती उसके बाद उसने तुम्हारा दिल तोड़ा होता तो समझ में भी आता। अपने आप खुद को हर्ट किया और उसकी सजा हम दोनों को दे दी। मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, मुझे खुद युविका से बात करनी चाहिए थी, थोड़ा टाइम रुक के करनी चाहिए थी, लेकिन खुद करनी चाहिए थी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ यार, मैंने अपने हाथों से अपने प्यार का गला दबा दिया। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई है यार, और मैं उन्हें उसे जाने दिया। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, तभी तो वो कल मेरे साथ इस तरह से बिहेव करके गई थी, और मैं ये सोच रही हूँ कि वो सब कुछ जानने के बाद इस तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उस दिन उसने गुस्से में और बदले में मेरे साथ ये सब किया, और मैं उसे गलत समझती रही। अब समझ में आ रहा है वो कितनी तकलीफ में रही होगी कि वो उस हद तक चली गई मेरे साथ। आई एम सॉरी युविका, आई एम सॉरी यार, आई रियली लव यू। काश तो वापस आ जाओ। रिचा, तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है। आज के बाद
कोई कभी भी अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तुमने तो दोस्ती की डेफिनेशन ही बदल के रख दी। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया। एक बार मुझसे आके कह देती ना कि तुम युविका को पसंद करती हो, मैं खुद युविका से तुम्हारे लिए बात कर लेती। लेकिन ये जो किया ना तुमने, ये बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कह के रोई वहां से चली आती है। रिचा उसे रोकने की कोशिश करती है बट रूही नहीं रुकती। कहती है प्लीज आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और कभी नहीं देखना चाहती, इसलिए आज से तुम्हारे मेरे बीच जो भी फ्रेंडशिप थी, जो भी कुछ था, वो सब यही खत्म होता है ना। मैं आज के बाद तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती यही खत्म। ये कह के रूही एक सेकंड वहाँ नहीं रुकती, वहाँ से चली आती है, अपने घर आती है, रूम बंद करती है और बहुत रोती है। कहती है आई एम सॉरी युविका, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने क्या कर डाला, तुम्हें कितनी तकलीफ दे दी यार, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे मुझे युविका से मिलना है, एक बार मिलना है मुझे उससे, बट कैसे कैसे मिलूं, कहाँ जाऊं, देश ही छोड़ के चली गई है, मैं क्या करूं, कैसे कैसे पता लगाऊं उसका कहाँ है वो, कैसे पता लगाऊं, कहाँ जाऊं, क्या कर दिया यार ये मैंने, क्या कर दिया मैंने, मैंने खुद क्यों नहीं बात की उससे, क्यों नहीं की। और रूही अपने आप को यही कह के थप्पड़ मारने लगती है, बहुत देर तक रोती रहती है। और उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने फ्रेंड को कॉल करती है जिससे उसने युविका के बारे में बात की थी एक बार। अपने उस फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि एक बार मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे ज़रूरत है। तो कहता है कि बट हुआ क्या है। कहती है प्लीज़ एक बार आ जाओ बिना किसी सवाल के, प्लीज़ आई रियली नीड यू यार, प्लीज़ एक बार आ जाओ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो मन में सोचती है दोस्त ये भी मुझे धोखा ना दे दे यार, क्या मुझे इसे बुलाना चाहिए, हाँ अगर इसने भी मुझे धोखा दे दिया तो, नहीं रिचा की तरह इसने भी किया तो। वो यही सब सोचती रहती है, तभी उसका फ्रेंड आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता वो, तो वो आता है और डोर नॉक करता है, बेल बजाता है डोर की। तो वो डोर ओपन करती है, उसके पापा घर में नहीं होते, तो घर में आता है और रूही को इस कंडीशन में जब देखता है तो कहता है क्या हुआ है तुम्हें, इतना क्यों रो रही हो तुम। तो उसे सारी बात बताती है, तो उसे हक करता है और कहता है मैं कह रहा था ना कि तुम्हारे दिल में उसके लिए ज़रूर कुछ है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी। कहती है क्या करूँ अब, कैसे उसको ढूंढूँ, कहाँ जाऊँ उससे मिलने, कैसे उसे अपना बनाऊँ, वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है, कहाँ जाऊँ मैं। तो कहता है
उसके घर जाके पता करो। कहती है नहीं, जो कुछ हुआ है ना, जिस तरह से युविका ने पूरे कॉलेज में मेरे साथ किया है, पूरे कॉलेज में उसने सबके सामने एक्सप्रेस कर दिया था, आई एम डैम श्योर कि उसके घर में ये बातें पता चल गई होंगी। उसके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, छुपी नहीं होंगी वो, चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश की हो। और ऐसे में अगर मैं उसके घर जाके उसका एड्रेस या उससे बात करने की कोशिश करूंगी ना, तो उसके मम्मी पापा मुझे कभी उसका नंबर नहीं देंगे, कभी उससे बात नहीं करने देंगे। तो कहता है बात तो ये भी ठीक है, सही कह रही हो तुम, इतना आसान नहीं है। अगर ये कॉलेज में हुआ है तो ज़रूर उसके घर तक पहुंच ही गया होगा, और शायद ये रीज़न है क्या कि वो यहाँ से चली गई है। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता, जो मैंने किया उसके बाद उसका यार रहना बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि उसके घर में सब पता चल ही गया होगा यार, पूरे कॉलेज में फैल गई थी ये बात, शायद यही रीज़न हो उसके यहाँ से जाने की। मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे किसी लायक ही नहीं छोड़ा यार, मैंने किसी लायक नहीं छोड़ा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे संभालूँ उसको। एक बार उससे बात करना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, भले वो मुझे अपना है ना अपना है, एक बार तय दिल से उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सच में माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं उससे, प्लीज़ मुझे किसी तरह उससे मिलवा दे यार, मैं ज़िंदगी भर तेरी एहसान मंद रहूँगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, एक बार बस एक बार मिलवा दे। तो कहता है मैं कहाँ से मिलवाऊँ बता, कैसे हेल्प करूँ मैं तेरी, मेरे हाथ में कुछ भी होता ना मैं सब कर देता तेरे लिए, लेकिन कैसे करूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं उसके घर भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, खुद ही सोचना क्या कह के उसके घर जाऊँ, कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ। हाँ, उसके बाद अब जो हुआ है, तुझे लगता है उसके मम्मी पापा कहते हैं मुझे नहीं पता, सिर्फ मेरा गैस है कि शायद उसके घर में पता चल गया हो, मे भी ना पता चला हो, अगर पता चल गया होगा तो मेरा उसके घर जाना खतरे से खाली नहीं है, उसके लिए और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लड़का कहता है रूही काम डाउन, शांत हो जा और सोच ले, शायद तुम दोनों की कहानी यहीं तक थी, वैसे भी खुद सोचना, तेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ ऐसा है, क्या अगर तू ये रिश्ता अगर उससे मिल भी ले, वो तुझे माफ़ कर भी दे, तो क्या ये रिश्ता तू आगे बढ़ा पाएगी या फिर से उसका दिल तोड़ देगी। तो अभी तो वो किसी तरह तुझे भूल के चली गई है, तो इसको यहीं ख़त्म कर देना यार, जीने दे उसे। हाँ, और तू भी अपनी आदत डाल ले उसके बिना। रूही कहती है कैसे डाल लूँ यार, मजाक है क्या। हाँ, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार, बहुत बड़ी, और मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ, भले वो मुझे माफ़ करे ना करे, एक बार मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बस एक बार, इसके बाद अगर वो चाहेगी ना, मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी, बस मेरी वजह से उसने अपना करियर खराब कर दिया, खुद को बर्बाद कर दिया यार, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं चैन से नहीं जी पाऊँगी, ये गिल्ट ज़िंदगी भर मेरे दिल में रह जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए। तो वो लड़का कहता है कि
तू एक बात बता, आज तुझे ये गिल्ट इतना बड़ा लग रहा है? हाँ, अब तू ये सोच, तू उसकी लाइफ में अगर वापस चली गई, तूने माफ़ी मांगी और उसने तुझे अपना लिया, उसके बाद क्या? क्या तुझे, क्या तू उसका साथ दे पाएगी, उसके साथ ताउम्र रह पाएगी? बता, उसके लिए स्टैंड ले पाएगी? अगर हाँ तो तू उसे ढूंढ, उसे मिलने की कोशिश कर, लेकिन अगर नहीं तो अब वो जा चुकी है, उसकी ज़िंदगी दोबारा से नरक बनाने मत जा, वो किसी तरह खुद को संभाल लेगी। लेकिन अगर तू दोबारा गई उसकी लाइफ में और फिर तूने उसे छोड़ा मजबूरी के नाते, पापा के नाते, जिसके भी रीज़न से, वो टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि उसने तो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि शी लव्स यू, और सबको पता है उसके बारे में, है ना? उसके पापा कॉलेज के ट्रस्टी थे, उसके घर में भी मैं भी पता हो गया होगा, तो उससे तो अब कोई डर नहीं है, वो हर हाल में तेरा साथ निभा जाएगी। लेकिन तू क्या सबके सामने खड़ी होकर उसके लिए स्टैंड ले पाएगी? तो उससे प्यार करती है तो इस बात के लिए श्योर है, लेकिन क्या ज़िंदगी भर उसका साथ निभाने के लिए श्योर है? ज़िंदगी भर के लिए उसका हाथ थामने के लिए श्योर है? अगर है तो उसके पास जा, नहीं तो इस कहानी को यहीं द एंड कर दे, और इस बात से खुश हो, इस बात की हर वक्त दुआ कर कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो उसे संभाल सके, जो उसे पहचान सके, जो उसका ख्याल तुझसे ज़्यादा रख सके, इस बात की दुआ कर बस। वो युविका को बहुत रूही को बहुत समझाता है और रूही को काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रूही के अंदर का दर्द, तकलीफ इतनी होती है जो उसने किया होता है, वो पल पल उसको ऐसा खा रहा होता है कि वो चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा तैयार नहीं होती है। लेकिन उसका फ्रेंड बहुत कोशिश करता है और अंत में रूही ये डिसाइड करती है कि शायद यही सही है, शायद हमारा एक साथ होना नहीं लिखा था। तो सही कह रहा है, अगर एक साथ होना लिखा होता तो क्या पता मैं ही उससे सारी बातें करती, हो सकता था मैं खुद जाके उसको सब कुछ बताती, या नहीं भी बताया तो रिचा उसे बताती, लेकिन रिचा ने भी नहीं बताया। जो सच्चाई मुझे उसके जाने के बाद पता चली, वो सच्चाई मुझे पहले भी पता चल सकती थी और मैं उसे जाने से रोक सकती थी, लेकिन ये सब कुछ कुछ इस तरीके से हुआ है कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि हम एक साथ रहें, शायद मैं उसे बाद में और ज़्यादा तकलीफ दे देती, इसलिए भगवान ने उसे मुझसे अभी से दूर कर दिया। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहा है, मुझे उसकी ज़िंदगी से हट जाना चाहिए और इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। वो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद सही हो जाएगी, जहाँ भी रहेगी। तो सही कह रहा है, और यही सोच के युविका ये रूही ये डिसाइड करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी और इस चैप्टर को यहीं क्लोज़ करेगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, युविका की लाइफ में क्या नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि रूही ने तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म कर दिया है। तो अब आगे आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक